हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीता भट्ट, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं हूँ अपने किचन में। तो मैं अभी बना रही हूँ नाश्ता, मैं बना रही हूँ वेजिटेबल अपम। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पर बन रही है चाय और यहाँ पर बन रहे हैं अपम, जो एक साइड सीख गए हैं। और अब मैं इनको पलटा देती हूँ दूसरे साइड। लव डेस्क देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे बने हैं ये, बिल्कुल देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं, है ना, अच्छे लगते हैं खाने में और होते भी बहुत अच्छे। आपने पिछली बार भी बनाया था, बहुत टेस्टी थे वो वाले, टेस्टी थे। देखो सौम्या भी बोल रही, कैसे लगते हैं आपको ये? बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी ना। चलो बनाते हैं, उसके बाद खाओगे, ठीक है? पहले पहले जब पहले एक दिन आपने जब बनाया था, तब तो मैं वेट ही नहीं कर पा रही थी करके, कब बनेगा कब बनेगा कब मैं खाऊंगी। आज कर ले रहे हो वेट? आज भी नहीं। तो फ्रेंड्स सौम्या बोल रही है कि मम्मा जल्दी बनाओ, मेरे से वेट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं जल्दी से अपम बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स देखिए बन गए हैं गर्मा गर्म अप्पे अपम। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए अपम, बहुत टेस्टी होते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे आपके। जिसके भी बच्चे ना सब्जी पसंद खाना कम कर सब्जी सॉरी सब्जी खाना कम पसंद करते हैं, तो इसमें ना मैंने बहुत सारी सब्जियां डाली हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलेंगी। मैंने इसमें डाला है गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज, पनीर, इतनी सारी सब्जी रहती हैं इसके अंदर, तो ये ना बहुत हेल्दी होता है। तो ना मैंने अपने चैनल पर इसकी रेसिपी पहले से ही दे रखी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो देख के खाने का मन कर रहा है तो ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो अब हम इसको कर देते हैं कवर और अब हम 5 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स गर्मा गर्म अपम बन के रेडी हैं, लो सोना खाओ। अब सौम्या खाएगी यहाँ पे बैठ के, बताना कैसे हो रहे हैं खा के, ठीक है? कैसे हो रहे हैं अपम? टेस्टी, बहुत टेस्टी। सामिया को तो वैसे भी टेस्टी। ओ बाबरे, सामिया को तो ये टेस्टी लगेंगे क्योंकि इसकी फेवरेट है। तो फ्रेंड्स देखिए आलू मिस्टर जी कर रहे हैं नाश्ता। हाय। अब मैं भी कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो मैंने कर लिया है, अब बिखरा पड़ा है किचन, तो मैं किचन सही कर लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स बर्तन मैंने धो लिए हैं और साथ ही मैं दिन के खाने की भी तैयारी कर देती हूँ। दाल मैंने चढ़ा दी है, आज मैं बनाने वाली हूँ इडली और सांभर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए है दाल और साथ साथ यहाँ पे दूध भी बॉयल हो रहा है, दूध वाले भैया आ गए हैं। तो जब तक दाल ना मतलब जब तक दाल बॉयल होती है तब तक मैं चलती हूँ बाहर। बाहर देखते हैं कैसा है आज का मौसम और आपको भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यह है किट्टू, हेलो किट्टू, और यह है सौम्या, सौम्या की फ्रेंड। आज ना पता नहीं कोहरा है या बादल है, समझ नहीं आ रहा, धूप नहीं आई है, साफ ठंडा हो रहा है मौसम, कोहरा लगा है या बादल है। अब मैं भी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ पे, धूप सेक लेते हैं। धूप तो खास आई नहीं है, हल्की हल्की धूप है। बैठो, बन गया खाना? खाना बन गया। हेलो काजू, मार खाई है अभी अभी चप्पल से। क्यों मारा, क्यों मारा काजू को, किसने मारा? लकड़ी से पटापट कर दी है। किसने की लकड़ी से बताओ? पटापट कर दी। नहीं नहीं मम्मा, इतनी छोटी मम्मा प्लीज, डॉगी नहीं, इस वाली लकड़ी से पटापट कर दी, इस वाली लकड़ी से। क्यों, क्या किया था काजू ने? कुछ नहीं, बार बार हाँ लकड़ी से पटापट कर दी। सामने की आग में पहली बार इसने काटने वाला था, इसको मैंने नहीं काटा, नहीं चाटा बोला।
मेरे गाल पर भी चार दिया। हो इसलिए डंडे से मार दिया उसको। देखो फ्रेंड्स आग काजू की हो गई है पिटाई। ओहो क्यों मार लिया उसको? मार खाने में कल भी मार खाना था। उधर नहीं दोस्तों, इतने शैतान बच्चे हैं, तीनों रेड रेड बने हैं आज। लगा दो। अब आ चुका है आदि। हेलो, देखिए किट्टू ने पकड़ दिया है काजू को। ओले गिला दिया। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे इडली। सांभर मैंने बना के तैयार कर लिया है और देखिए मैं अभी मोल्ड में डाल रही हूँ इडली का बैटर और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है गर बॉईल होने को। अब मैं इसमें इडली स्टैंड रख दूँगी। देखिए हमारी इडली एकदम बन के रेडी है और यहाँ पर मैं मिस्टर जी की हेल्प ले रही हूँ इनको निकालने के लिए। देखिए यहाँ पर मिस्टर जी निकाल रहे हैं और ये ना बिल्कुल भी नहीं चिपके, देखो बिल्कुल आसानी से निकल जा रही हैं। तो अगर आपको भी इडली बनानी है घर पे तो मैं ना इस वीडियो को अपने चैनल पे अपलोड करूँगी तो आप ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी इडली बनके रेडी है और यहाँ पे मैंने उसके साथ बनाया है ना मूंगफली की चटनी और सांभर। फ्रेंड्स मिस्टर जी और सौम्या तो खाने लग गए, अब मैं भी खा लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। सभी बजे हैं शाम के 6 और यहाँ पे है टी टाइम, तो मैंने बनाई है ग्रीन टी। फ्रेंड्स अभी हम बैठे हुए हैं और सौम्या ने ना इतनी सुंदर ना क्ले से रिंग बना रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको। दिखा सुना, देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है ना, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे बच्चे ने कितनी प्यारी रिंग बना रखी है क्ले से, और ये क्ले ना 2-3 घंटे बाद सूख जाता है, थोड़ी फिक्स हो जाता है, फिर उसके बाद देखिए देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वेरी गुड बेटा, मेरे लिए भी बनाओगे? ओके। कितना खुश हो गई देखो तो। अभी नहीं, अभी पढ़ाई करोगे।